हेलो, तो हम यहाँ पे अभी अल अवीर मार्केट में है। तो यहाँ पे अभी हम वापस जा रहे हैं, यहाँ पे हम बस स्टैंड पे खड़े हैं। और भी बहुत सारे लोग मेरे साथ थे जो अभी मार्केट में, हमें दूसरा अपॉइंटमेंट है, मीटिंग है, तो वहाँ पे जा रहे हैं। तो हमने पूरा वहाँ पे गए, हमने पूरा देखा कि क्या है, कैसा चल रहा है, कैसे यहाँ पे गुड्स आता है, कमीशन पे कैसे काम होता है, फिक्स रेट पे कैसे काम होता है, पूरा हमने वहाँ पे जाना है। और हमने वहाँ पे लोगों से बात भी की है। तो मेरे साथ जो लोग आए हैं तो उसे भी हम पूछते हैं कि उसने क्या क्या जाना है, उसको मेरे साथ आने का कोई फ़ायदा हुआ है कि नहीं हुआ है। तो आपने क्या क्या जाना वहाँ पे? तो हम बात कर रहे थे कोई लेमन मर्चेंट से, तो वो बोल रहे थे कि वियतनाम का उनको पसंद है, इंडिया का माल उनको चाहिए जून जुलाई में, क्योंकि वहाँ तब वो स्टॉप हो जाता है वियतनाम से। तो वो रिक्वायरमेंट आई तो बायर तो है, रेडी है लेने को। और वो कमीशन तो, पे काम करेगा बराबर ना? हाँ, कमीशन पे काम करेंगे। या फिर दूसरा मॉडल है फिक्स्ड रेट, फिक्स्ड में थोड़ा कम मिलेगा और कमीशन में 7% बोल रहे हैं, ऐसा है। मतलब वो बोल रहे हैं क्या आपको फिक्स रेट में हम लेंगे या फिर कमीशन पे लेंगे बराबर। तो कमीशन में मतलब 7% वो चार्ज करते हैं और बोलते हैं ऑल खर्चा आपका रहेगा। तो वो तो फिजिबल थोड़ा मुश्किल है, बट उस तो हमने मतलब बात तो किया, उसने पूरा बताया कि कैसा चाहिए, कौन सी सीज़न में चाहिए, उस हिसाब से हमको इन्फॉर्मेशन दिया। सर, आपको क्या जानने को मिला यहाँ पे? जी, मार्केट में अपॉर्चुनिटी तो बहुत है, इधर काम बहुत बढ़िया होता है, देर वियतनाम का काम होता है, श्रीलंका का काम होता है, ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड लोग आते हैं यहाँ पे, अपना माल बेचते हैं, अपॉर्चुनिटी बहुत है, बहुत सारे ट्रेडर्स है, कमीशनिंग एजेंट भी है। अगर आपको करना रहेगा, अभी हम लोग को सर के साथ आके पूरा प्रोसीजर हम लोग को पता चल गया है। सो अभी वे फॉरवर्ड के लिए थोड़ा आगे काम करेंगे तो हमारा बस चालू हो सकता है जल्दी से जल्दी। यस, जल्दी से जल्दी शुरू, पर थोड़ा ध्यान रख के काम करना है यहाँ पे, क्योंकि कमीशन एजेंट पे है, वहाँ पे तो काम हो ही सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिक्स रेट में जो है यहाँ पे बहुत कम लोग लेते हैं। पर मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है पेमेंट सिक्योरिटी, पार्टी जेन्युइन होनी चाहिए, सही होनी चाहिए, थोड़ा उसका कंपनी पुराना होना चाहिए, तभी जाके आप काम करो। वरना क्या होगा कि आपने गुड्स तो दे दिया, फिर आपको पता है कि सर गुड्स रिजेक्ट हो गया या फिर आगे सेल नहीं हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, स्टोरेज करना पड़ा, नुकसान हुआ। तो ध्यान रख के पूरा बिजनेस करना। अभी एक बंदा मुझे मिला था यहाँ पे एग्जीबिशन में कि सर मैंने पहली बार किया था तो, बट वो जो हमने जब किया तब भाव गिर गया तो फिर लॉस में थोड़ा करना पड़ा। तो इस हिसाब से होता है। बट ये एक आपको देखो कंसिस्टेंसी हर जगह पर ज़रूरी है। आप कहीं पर भी बिजनेस करो, कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है कि एक में कम आएगा दूसरे में ज़्यादा आएगा। तो ये जो है आपको पूरा कंटिन्यूस का वर्क करना पड़ेगा, तभी जाके जो है आप ये बिजनेस कर सकते हो। मतलब इसमें ना मेरे तो ट्रेनिंग में लोग आते हैं तो मैं पूछता हूँ कि क्यों एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करना है, कैसे करना है, ऐसा पूछता हूँ तो बोलते हैं कि थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट है एक्सपोर्ट में सर, थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट है। तो मैं प्रैक्टिकली आपको बता दूँ कि जो थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट है उसमें नहीं काम चलेगा, आपको बहुत बहुत इंटरेस्ट होना चाहिए तभी ये काम होगा। आपको जो है पूरा बोलते हैं ना कि सर आपको बायर मिलते हैं, इसमें देखो यहाँ पे जो है मेन इंपॉर्टेंट चीज़ वर्क करना इंपॉर्टेंट है। आपको कंटिन्यूसली वर्क करना पड़ेगा तभी जाके बायर मिलेंगे, तभी जाके सामने से भी आपको अप्रोच करेंगे। जब आपका कुछ बढ़िया मार्केटिंग होगा, आपके पास सिस्टम होगा, तब जाके जो है वो काम होता है। तो ये चीज़ है, तो आप बढ़िया अच्छा मार्केटिंग कर सकते हो, अच्छा सिस्टम बना सकते हो। तो इस हिसाब से है। तो और भी कुछ भी क्वेरी है आपको इसके रिगार्डिंग तो आप यहाँ पे कमेंट कीजिए। बाकी तो लास्ट टाइम भी मैं यहाँ पे अलवरी में आया था, अब आपको सब पता है, और अभी भी आया तो बहुत चेंज आ चुका है। थोड़ा और भी वीडियो बना के पूरा बताऊँगा कि क्या चेंज आया है, क्या है ये मार्केट में, कैसे डिटेल में हो सकता है। बट अभी जो हम है वापस जा रहे हैं। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ऐसे ही लाइव देखना चाहते हो आप सब चीज़ें तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छे लगते तो आपके जो फ्रेंड वगैरह है उसको शेयर भी कीजिए, जिससे हमारा एक कम्युनिटी अच्छा बने, जिससे मैं आपको और भी नॉलेज देता रहूँ। और मेरा फ्री सीरीज़ है लर्न एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बेसिक का, मेरा जो फ्री सीरीज़ है उसको भी आप देखिएगा। जब भी वीडियो टाइम मिलेगा तब मैं वीडियो बना के उसमें पोस्ट करूँगा। थैंक यू।